would like to thank East Delhi Study Circle for inviting me and Navya. So they will be reaching in a few minutes. I think 3 to 4 months back, Shashank Bhaiya has invited me. So this is part of the study circle. So this group is specifically dealing in GST only. And few days back, Shashank Bhaiya called me and he told me कि यार theoretical बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब हमें practical सुनना है. तो मैंने कुछ slides theoretical डाली थी जो practical से ही होती आई थी, बट वो मैंने move on कर दी. तो मैं आज theoretical बात फिर बिल्कुल भी नहीं करूँगा. एक्चुअली वन ऑफ माई क्लाइंट, उसकी मैंने जी एस टी टाइम आई वॉज अबाउट टू फाइल, बट भैया ने जैसे बोला कि यार इस पर लाइव सेशन लेना है, तो आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग, बट मैंने उसको भी फाइल नहीं दी. मैं अभी उसका एक्सेल मैंने कैसे बनाया है फ्रॉम स्क्रैच टिल, हम उसको कैसे फाइल करेंगे कंसिडरिंग एनुअल रिटर्न, उसमें क्या क्या डालना है, कहाँ से डालना है डेटा, कहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, कैन बी चेंज दैट डेटा और नॉट, राइट, उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है. देर आर टू प्रेस रिलीजेस इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट 3rd June and 3rd July. तो उसमें हमें 9 से रिलेटेड क्या पॉइंट है जो कंसिडर करने हैं. तो पहले थोड़ा 9 के बारे में समझ के प्रेस रिलीज को पढ़ के फिर हम GST 9 एक्चुअल में कैसे फाइल मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ. सबका तरीका अलग हो सकता है, बट जो फिगर डालनी है वो सेम ही, राइट. अभी शशांक भैया वॉज टेलिंग कि यार 80% ऑफ द टैक्स पेयर हैव नॉट फाइल, मुझे जो लग रहा है और 6-7 दिन बाद ये नंबर शूट अप हो जाएगा. इवन नाउ आई हैव 80 GST ऑडिट जो रेडी है, मतलब मैं उसको कल भी अपलोड कर सकता. बट क्लाइंट ने क्या पर्सपेक्टिव होता है या अभी नहीं करेंगे, एंड में करेंगे, अभी कर देंगे तो वो बुला देगा, बट सूनर और लेटर वो हमें फाइल तो करनी है. हम ड्यू डेट की वेट ना करें तो बेटर है. अगर हमें ड्यू डेट की वेट करनी भी है तो आप अपलोड करके छोड़ दो, जस्ट सबमिट बाद में कर दो. और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने JSON अपलोड कर दी एंड इट पास 15 डेज, 15 डेज के बाद वो JSON अपने आप उड़ जाएगी. ये मेरे साथ एक दो बार केस में हुआ है, कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने देखा है. इसलिए अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो 6-7 दिन का गैप रखें और एक बार देखें, राइट. किसको भरनी है ये हम सबको क्लियर होगा, वेदर द टर्नओवर इज 1 rupees और 100 crores और 10 rupees. इफ ड्यूरिंग द ईयर July 2017 टिल March 2018 द टैक्स पेयर हैज रजिस्टर्ड अंडर GST वाज रजिस्टर्ड अंडर GST, देन उसको GST 9 फाइल करनी ही करनी, चाहे वो 9C करे या ना करे. थोड़े बहुत ऐसे चीज को छोड़ दे एज मेंशन, उन सबको 9 भरनी ही भरनी है. इवन इफ आपने अगर सरेंडर भी कर दिया है आज की डेट में, बट उस पीरियड में वो एक्टिव था, तो आपको 9 भरनी ही भरनी, राइट. अब देयर आर 6 पार्ट्स इन GST 9. तो GST 9 इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट. बेसिक डिटेल्स, GST नंबर, लीगैलिटी, एक्सेट्रा. सेकेंड पार्ट इज ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स, राइट. जिसपे हमने टैक्स पे किया है वो, यानी कि अगर आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई किया है B2B, B2C, एक्सपोर्ट्स, IGST पे कर दिए, राइट, तो वो सारा का सारा पार्ट टू में कवर्ड है. उसके बाद पार्ट टू में नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मिल रेटेड सप्लाई है, अभी मैं पूरा फॉर्म भी दिखाऊंगा, अभी मोटा मोटी देखिए. उसके बाद जो पार्ट आता है पार्ट 3 है ITC, इसमें हमने कितना इनपुट लिया, उसकी बाइफ्रिकेशन, ट्रांस 1 का, ट्रांस 2 का, रिवर्सल कितना किया,
जॉब टू पॉपुलेट हो रहा है 2a, जिसमें लोगों को आज में थे कि 2a में नहीं आ रहा तो मेरा इनपुट रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है पार्ट 4, जो हमने टैक्स पे किया है CGST, SGST, IGST की, उसकी किस मोड से पे किया और कितना पेबल बना। उसके बाद पार्ट 5 आता है जो 17-18 के एडजस्टमेंट हम मार्च 19 तक कर सकते थे, तो उस पर इनपुट भी ले सकते थे, रिवर्स भी कर सकते थे, कोई एडिशनल लाइबिलिटी थी वो भी पे कर सकते थे, रिड्यूस भी कर सकते थे। तो वो आपका पार्ट 5 में है। और पार्ट 6 एंड में है, रिफंड अप्लाइड, कोई डिमांड है, HSN की समरी, इनवर्ड आउटवर्ड, राइट। एक बार फॉर्म को देख लेते, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ट्रेड में, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द ईयर, पहले ये था जो आपने एक्चुअली रिटर्न में फाइल किया सिर्फ उसका, अब ये है जो एज पर बुक्स। सर हम टैक्स किससे पे करते हैं, 3B से या 1 से? 3B से। 1 में सिर्फ उसकी डिटेल जाती है। पहले सरकार ने कहा कि बेस बनाओ, वन इज द फाइनल रिटर्न। फिर बाद में प्रेस रिलीज आई 3 जून को, डिस्कस करेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि जब टैक्स कब पे हुआ है वो देखो। तो जब टैक्स पे हुआ है, टैक्स पे हुआ है 3B में, तो 9 भरते वक्त आपको जो बेस लेना है वो 3B लेना है, ना कि 1। डाटा विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 9 फ्रॉम GSTR 1 द सेल पार्ट, whether it is taxable supply, exempt supply, everything of the sale part will be auto populated in GSTR 9 from GSTR 1. But आपको जो बेस लेना है वो टैक्स कब पे हुआ है, ना कि 1। पोर्टल में जो ऑटो पॉपुलेट आ रहा है मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको 20% से ज़्यादा चेंज किया तो वो एक रेड में हो जाएगा और आपको एक वार्निंग देगा कि आप चेंज करें, बट आपको करने देगा। तो ये अगर किसी की मिथ है कि डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता। GSTR 9 बनी इसलिए कि जो भी रहता फैला है पूरे साल उसको आपको ठीक करना है विद योर बुक्स ऑफ, राइट। इसमें हमने B2C कर लिया, B2B कर लिया, अगेन जिस पे भी हमने टैक्स पेबल है, इसमें आपका जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स हो गया जिस पे आपने टैक्स पे किया, SEZ को आपने सप्लाई किया जिस पे आपने टैक्स चार्ज किया, एडवांसेस अगेन हमें पता है, सर्विसेज में आज भी सेम है, 17-18 में 15 नवंबर तक एक टाइमलाइन था जिस पे आपने पैसा रिसीव किया एडवांस, तो आपको टैक्स भी पे करना है। तो आपको जो इस कॉलम में डिटेल डालनी है वो डिटेल डालनी है जिसपे आपने एडवांस रिसीव किया बट टिल मार्च 18 उसका आपने इनवॉइस नहीं इशू किया, राइट। उसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर 17-18 में जो अमेंडमेंट हुआ, राइट। आउटवर्ड सप्लाई जिस पे टैक्स पेबल नहीं है, जीरो रेटेड LUT पे, एग्जेम्प्ट, नॉन GST, नील रेटेड, अगेन इसके क्रेडिट नोट्स। तो आपकी जो टर्नओवर है 4N में, 4N प्लस 5A माइनस 4G, जो टर्नओवर है क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये जो रिवर्स चार्ज है ये कौन सा रिवर्स चार्ज है, ये वाला जिसमें मुझे जो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है या जिसमें सामने वाले को पे कर रहा है। मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो जैसे मैंने फ्रेट की सर्विस ली है या मैंने एडवोकेट की सर्विस ली है, जो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है उसका, राइट। अभी आ गया ITC,
अभी हम मोटा मोटा समझ रहे हैं, उसके बाद प्रेस रिलीज पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनली मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कैसे हम भरें। इसमें ये इनपुट आपने जो 3B में भरा उससे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अब ये जो डेटा है ये सारा 3B से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ऊपर वाला जो डेटा था सेल वाला वो GST 1 से ऑटो पॉपुलेट। अब इसमें आपको ब्रेकअप देना है। अच्छा, क्या अगर आपने वो इनपुट एक्स्ट्रा बुक कर दिया है या कम क्लेम किया है? पहले बात करते हैं, अगर आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया 3B में बुक से जब हम कंपेयर करें, तो क्या आप एनुअल रिटर्न में उसको रिवर्सल दिखा सकते हो? कौन कौन कह रहे दिखा सकते हैं? बाकी लोग, क्योंकि नीचे ऑप्शन आता है ना किसी रिवर्सल का, यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ITC रिवर्सल दिखा सकते हैं। एक प्रेस रिलीज आई थी 3rd जुलाई उसका, जिसमें वो ये कहता है कि आप एनुअल रिटर्न में यू कैन नॉट टेक एनी इनपुट, नाइदर यू कैन रिवर्स एनी। जो भी आपको रिवर्सल करना है वो आप DRC03 से करो, 9C में उसको कॉपी दे, 9 में आपको कुछ नहीं करना। सर अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, अगर हम DRC03 को पे कर दिया तो क्रेडिट लेजर को तो डेबिट कर देगा। अगर हम पे करेंगे कैश में सर, इसमें भी मैं बात करूंगा। आपने अगर DRC03 को भरा होगा, आपने उसमें चार ऑप्शन आते हैं, वॉलंटरली, एनुअल रिटर्न, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अदर्स। इंस्ट्रक्शन कहती है, प्रेस रिलीज कहती है कि आपको DRC03 पे करना है कैश से, बट जब आप एनुअल रिटर्न में भी क्लिक करते हो, आपको जब वो आगे लेके जाते हो पूछते हैं कैश लेजर क्रेडिट लेजर, और आज भी वो क्रेडिट लेजर यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप क्रेडिट लेजर इसके थ्रू पे कर सकते हैं, इसका लॉजिक है। आपको मैच नहीं होगा, लॉजिक नहीं होगा, मैच नहीं होगा सर। जो आपके आपको क्वेश्चन कुछ और है, मैं कह DRC03 पे आऊँगा, एंड मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 49 को कंसिडर करते हुए, एक इंस्ट्रक्शन मेरे लॉ को ओवररूल नहीं कर सकता। सेक्शन 49 कहता है कि जो टैक्स की पेमेंट है मैं इनपुट से पे कर सकता हूँ और कैश लेजर से भी पे कर सकता हूँ, बट जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी पेड बाई कैश लेजर ओनली। तो जब मेरे को सेक्शन कह रहा है तो इंस्ट्रक्शन मेरे को मना कैसे कर सकता? सेकेंडली, अगर यही बात थी तो आपका पोर्टल मेरे को क्यों इनपुट ले देती हूँ, ऑप्शन दे रहा है, अलाउ क्यों कर रहा है? वो ऐसा मैंने पूरा तीसरी चीज, अगर मेरे को इन सब चीज़ों से बचना है, मेरे को लफड़ों में पढ़ना ही नहीं, जो हमारी थिंकिंग है, मैं वहाँ एनुअल रिटर्न 9C चूज ही नहीं करता, मैं वहाँ वॉलेंटरीली चूज कर देता हूँ। एज एन SSC मुझे लग सकता है ना कि यार मैंने गलत ले रखा है, या मुझे नोटिस आ जाएगा, बोनाफाइड इंटेंशन है, ना आपने एनुअल रिटर्न चूज करा ना आपने 9C चूज करा, आपने लॉ को भी फॉलो कर लिया, इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर लिया। तो मैं अगर कोई DRC03 पे करा रहा हूँ तो मैं वहाँ एनुअल रिटर्न रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चूज ही नहीं कर रहा, मैं वहाँ चूज ही वॉलंटरीली कर रहा हूँ, मैं उसका कॉग्निजेंस जरूर 9C में डाल रहा हूँ बट मैं वहाँ चूज नहीं कर रहा। 9C करना नहीं है तो क्या चूज कर रहा है? तो भी मैं वॉलंटरीली चूज कर रहा हूँ सर। रिवर्सल तो मैंने कर ही दिया ना, पहली बात तो मेरा सेक्शन मेरे को वो पावर दे रहा है, मैं उससे भी बचने के लिए मैं वहाँ वॉलंटरीली चूज कर, मैं वो चूज ही नहीं कर। वो पॉइंट था मेरे एंड में, अभी डिस्कशन है। अगर टैक्स पे करने की ना बता रहे तो आईटीसी नहीं होगा। तो
मेरे ख्याल से अगर आईटी से रिवर्सल करते या तो वो वहां भी कम हो जाता, लेकिन उन्होंने उसको सेट ऑफ कर दिया। बेटर तरीका तो ये था कि आईटी से रिवर्सल होता, आईटी से होगा सर, आईटी से होगा। हम मान भी लेते हैं कि आईटी से रिवर्सल नहीं है, टैक्स पे किया है, टैक्स पे उसको तो देखो 9 में तो नहीं जाएगी, 9 में तो भी मैंने बोला कि आपको कहीं डाल ही नहीं सकते, या उनके 9 सी एप्लीकेबल है। तो 9 सी में जब रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स करते हो ना, आप उधर डाल कि हमने इस महीने में उसकी ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट की। आप अगर प्रेस रिलीज भी पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने 9 सी में सी ए की एक लिमिटेड कर दी कि आपको सिर्फ वीको रिको करना। हम जो सोच रहे थे कि सप्लाई है कि नहीं, ये है कि नहीं, उसको वो थोड़ा कर्टेन कर, तो अब वहाँ पे उसका कॉग्निजेंस है। एल्गोरिथम में तो आपने भी थ्री भी भरा, ये रीसेंट 18-19 की रिटर्न में भी देना पड़ेगा 17-18 की। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो आप एनुअल रिटर्न अभी आप देख रहे हो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, आपने जो 3B फाइल कर दी, आपने मार्च 18 का फिगर ऑटोमेटिक हो गई ना, इसके वो गलत है। बट आपको जहाँ पे जो फिगर डालनी है ना, वो आपको वही डालनी है जो आपने 3B में डाली। अब चाहे उसमें आपने, अब आपको उसका बाइफ्रिकेशन भी बताओ तो आप उसमें इनपुट्स में किसी में भी जो आपको बैच लग रहा है उसमें डालो, तो आपकी 3B और एनुअल रिटर्न तो पूरी मैच करेगी ITC से पर टीम जो डाल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। Further, no input tax credit can be reversed or availed through annual return. If taxpayer find themselves liable for reversing any ITC, they may do the same through DRC 0. Particulars of transaction for the previous financial year declared in the return of April to March of the current year to the ये specific table part 5 है ही। सर तो फिर पार्ट 12 आपका थोड़ा केस डिफरेंट हो गया, क्योंकि आउटपुट में डाल दिया उनको, कायदे से ITC रिवर्सल में दिखा दिया।
काफी लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने आउटपुट बढ़ा तो आपको इसी में डाला किसी किसी लोगों ने अपना इनपुट कम कर दिया सॉल्यूशन क्या है यही डालना पड़ेगा मैंने जब आउटपुट टैक्सेबल लायबिलिटी बढ़ा दी अल्टीमेटली आईटी से था नहीं मेरे पास मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी टू सेट ऑफ द सिचुएशन अब आपके पास सिचुएशन नहीं आ रहा आप टेंशन भी डाल सकते हो इस केस में टेन ईयर टू इन योर फोर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका आपको या तो जब अगर नाइन एप्लीकेबल है अगर कोई उसको बुलाता है नोटिस देता है तो आपको वहाँ क्लियर करना पड़ेगा या फिर नाइन सी अल्टीमेटली आपको नाइन सी में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नाइन के टेंट है आपका नेट में टैक्स सेम आना चाहिए आपके कुछ ना टेबल नंबर आपका ऊपर से एडजस्ट कर दो चाहे नीचे से एक फॉर्मूला है ये भी एडजस्टमेंट फॉर्म ही है ना ये छोटा सा फॉर्मूला है टेबल नंबर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 14 9 में जो टैक्स टेबल है प्लस 14 में जो टैक्स है शुड बी इक्वल टू जो 4 में टैक्स आ रहा है 5 आपकी जो टर्नओवर में टैक्स और रिवर्स टैक्स का टैक्स है शुड बी इक्वल टू 9 में जो टैक्स हुआ है और 14 इसको भी करते हैं मैं लाइव करूंगा तो आपको और क्लियर क्लैरिटी मिलेगी एक बार हम ये प्रेस रिलीज पढ़ लेते हैं क्या एनुअल रिटर्न का जो फॉर्मेट है वो एक बार फिर से डिस्कस करने की जरूरत है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सबने एक एनुअल रिटर्न तो भरी रखी हुई मैं ये मान के चल रही हूँ तो क्या वो मेरे को डिनाइबल है इट इज क्वेश्चनेबल नॉट डिनाइबल तो अगर 2A में मेरा इनपुट नहीं आ रहा आपके पास ये चॉइस है तो आप उस पर इनपुट क्लेम करो 2A में एक्स्ट्रा आ रहा है आपने इनपुट नहीं लिया ऑलरेडी लैप्स हो गया खत्म राइट अगर लैप्स आप मान रहे हो क्या क्या इनपुट को लैप्स मान रहे हो वो जजमेंट आई है जो खुदा की लैप्स खुदा बट मेरे 99% ऑफ द जो भी टैक्स पेयर है सबने जो भी था वो पहले कर चुका है तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो एडिशनल ले रहे हो मैं एक हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे मैं तो नहीं बोल रहा कि आप अगर वो क्लाइंट ले रहा है तो मैं तो 90 में डिसमिस कर रहा हूं लेकिन मैं तो लगता है इनपुट ले लेना चाहिए इससे 95 का नहीं सकता जाए अपनी अपनी ओपिनियन कितनी एग्रेसिव अप्रोच ली हां आपने
जब GST 2 हमने पढ़ी देखी होगी किसी ने जुलाई में तो वहाँ पे तीन ऑप्शन आते थे एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग वो पेंडिंग का पर्पस ही यही था कि वो जब मेरे को रिसीव हो जाएगी मैं तब बुक करूँ बट ये हिंदुस्तान है थोड़ा जुगाड़ काम करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत तो सभी करते सर तभी तो पहले तो फिर भी हो जाता था ई वे बिल है सब कुछ है पता चल जाए और कब रिसीव हुआ अभी पता चल जाए बट सर हमें जितना पता है आपको भी पता है ऑफिसर को कितना पता है उनको कुछ नहीं पता बस सर जो आप कर रहे हो इंटेंशन शुड बी होना पड़ेगा मैला फाइड नहीं होता जो डी पॉइंट है वही मैंने आपको सबसे पहले आगे बोला है कि पहले उन्होंने कहा कि GSTR 1 बेस है उसके बाद उन्होंने कहा कि GSTR 3 भी में एक्चुअल में टैक्स कब पे हुआ है आपको उसको टेबल नंबर 4 में डालना है आपने 3B में टैक्स पे कर दिया उसका सपोज जुलाई 17 बट आपने उसको GSTR 1 में चढ़ाया अप्रैल 18 में तो आप उसको कौन से पार्ट में लोगे 4 तो टैक्स कब पे हुआ उसका वो मैटर करता है अब इसमें जो एक प्लानिंग हो रही है जो आप कर सकते हो जो सब कर रहे हैं कि 3B तो हर महीने जा रही है सपोज करो कोई टैक्स मिस हो गया पे करना रोल ओवर तो है ही मेरे पास तो अप्रैल 18 का टैक्स आप ये कह सकते हो कि मैंने अगर कोई मेरे से टैक्स छूट गया मार्च 18 का तो आप कह दो कि मैंने अप्रैल 18 में पे कर दिया और उस अप्रैल 18 का आप आज पे कर दो रोल ओवर पे तो करना ही पड़ेगा मतलब एक प्लानिंग हो सकती है इंटरेस्ट तो लगेगा कहीं ना कहीं तो लगेगा shall be declared in point number 2 of form GSTR 9 yani ki main isko yahan pe dal dunga agar meri koi sale chhoot gayi hai main usko point number 2 mein dal dunga na sale ko maine 3b mein dali na maine 1 mein dali aaj tak nahi dali तो मैं उसको सेल को और उसका टैक्स को टेबल नंबर 4A या 4B जो भी है उसमें मैं डाल दूँ अब मैंने आपको बताया टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल की रिकंसिलेशन है तो डिफरेंस आ जाएगा अभी हम देखेंगे तो वो जो डिफरेंस है उसका DRC 03 पे होगा एडिशनल लायबिलिटी शैल बी कॉम्प्यूटेड इन पार्ट 4 एट द गैप बिटवीन टैक्स पेबल एंड पेड थ्रू कैश कॉलम shall be paid to DRC 03 तो ये जो basically 9 कॉलम है वैसे ये वाला फॉर्म किस किस ने देखा मतलब ज्यादा हार्ड हो गया ये वाला तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ये वाला फॉर्म किस किस ने देखा GSTR 9 का भाई सुनना नहीं तुम्हारे नाम का ये साथ में ऐड तो कभी भी कोई भी फॉर्म रिलीज हो तो इससे अलग नहीं होगा और इसमें ना मतलब मैंने भी एक जगह स्टडी किया था तो हर जगह मे लिखा है आप इसके लाइन जब देखेंगे तो इनपुट को लेके काफी लोग कहते हैं वो ऑटो फिगर आगे तो चेंज कभी भी नहीं हो सकती वो पत्थर के ही लकीर है बट एज आदित्य हैज ऑल्सो क्लेरिफाइड कि वो मे लिखा है लाइंस में तो जरूर उसको चेंज करें एज पर योर बुक्स एंड ऑल ओवर अभी मैं प्रेस रिलीज इसलिए बता रहा हूं कि हमें कॉन्सेप्चुअली पता चल जाए जब हम उसको एक्चुअली में अपने भर रहा हूं तो आपको पता चल जाए कि हो क्या है टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट द डाटा एज पर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बुक्स में जो डेटा है आप वो यहां डाल सकते हैं अगर गलत भी आ रहा है तो भी ठीक करो
पेमेंट मेड थ्रू DRC 03 नॉट बी अकाउंटेड GST आर 9 बट रिपोर्टेड इन 9C. जिनकी 9C नहीं है उसमें आप कुछ नहीं करो. एक ये वाली प्रेस रिलीज और पढ़ लेते हैं फिर लाइन जाते हैं. Excel में प्लॉट करता हूँ मेरे पास बुक्स और अकाउंट्स टैली सपोज 3B और 1 होती है 1 को मैं वाई देता हूँ मेरे लिए 3B और बुक्स फाइनल होता है 3B मेरा टैक्स पेड है और बुक्स मेरे पास है डाटा ऑटो फिल होके आ रहा है ऑटो कॉपी लेट होके आ रहा है 9 में मैं एक्सेल में प्लॉट करता हूँ मेरी बुक्स के हिसाब से क्या है राइट मेरी एक्सेल बन गई 9 बुक्स के साथ अब मैं उसको मैनुअली पोर्टल पे जाके चेंज करता हूँ तो मेरा डबल चेक होगा मैं जेसॉन जनरेट नहीं करता 9 के लिए 9C एक नॉट फाइल ऑनलाइन उसकी तो है ही यूटिलिटी बट 9 मैं पर्सनली एक्सेल पे बनाता हूँ और
देयर कैन बी टू सिनेरियोस कि थ्रीबी में आपने जब हम कंपेयर कर रहे हैं बुक्स और रिटर्न को, तो टैक्स एक तो हो सकता है कि शॉर्ट पेड है, वो तो हम एडिशनल लायबिलिटी डाल देंगे और पे कर देंगे DR03. अगर मैंने ज़्यादा पे कर दिया, मैंने देखा थ्रीबी में कि यार मेरा तो 100 रुपये टैक्स बनता है और थ्रीबी में पे चला हो गया 110 रुपये, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसका रिफंड लूँगा एज पर दिस प्रेस रिलीज, जो कि मुझे नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली. इसका रीज़न ये है कि वो एक्सपोर्टर होकर इतना तंग कर देते हैं, तो इसमें तो मेरे को उनको समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मैं तो ये मान के चलता हूँ जो चला गया वो मिलेगा नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि एक अमाउंट भी देखनी है. मैंने तो नहीं किया, 1 लाख भी था बट मैंने कहा रहने दो, मैं 1 लाख जितने अप्लाई करूँगा उससे तो मैं पैसे लग नहीं दूँगा, प्रैक्टिकली वो रिफंड अप्लाई नहीं करूँगा. बट आप मेरे से अगर पर्सनली पूछो ना तो आपको टू देखनी ही नहीं थी, मैं तो नहीं देखता. ठीक है, मैंने क्लाइंट से पैसे लिए उसको करके देता हूँ, बट ऐसे तो उसकी रेलेवेंस इतनी नहीं है मेरे लिए. जब मेरे पास 3B का इनवॉइस है, जब वो कह रहे हैं कि 2 इज फॉर ओनली फैसिलिटेशन, तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा दिमागी खुल होगा. अगर मेरा गैप ज़्यादा है हाँ, कि भाई ये किस चीज़ का आ रहा है मुझे पता होना चाहिए, अगर ऑफिसर बाद में बोले कि ये किस चीज़ का था रिकनसाइल हो रहा है, बट प्रैक्टिकली जब मेरा इनपुट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना मुझे प्रेस रिलीज कुछ कह रही, ना मेरे को लॉ कुछ कह रहा, तो प्रॉब्लम ही नहीं. उसके लिए कर सकते हो बस, आप अगर आप उसमें भी ना भरो, मैं कह रहा हूँ आप 8 जो डी आप कह रहे हो पॉइंट ना भरो ही, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसको बनाने में एनर्जी बहुत लग जाएगी. सर मैं कहता हूँ उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा. हाँ आपको एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट करना है तो आप करो, बट जितना हमारे पास टाइम और जितनी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्क है उसको देखते हुए मैं आपको, इससे कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि 2 वीक नहीं होता, बाद में भी करके दे सकते हो उसको, क्या प्रॉब्लम. अच्छा एचएसएन समरी में एक प्रॉब्लम आई थी एकवर्ड आउटवर्ड, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में कहा कि आपके पास आउटवर्ड की तो फिर भी एचएसएन की समरी हो सकती है, अगर आपने डाली होगी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्म होगा तो आपके पास होगी, इनवर्ड की बिल्कुल भी नहीं होगा. तो उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा आपके पास जो रेडीली अवेलेबल है उसमें आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जितना आपके पास है डालो, तो अगर आप नहीं भी डालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं.
अच्छा एक नॉन जीएसटी सप्लायर मेल रिलेटेड एग्जेम्प्टेड हमेशा से इसमें दे रहे थे कंफ्यूजन, तो उन्होंने इसमें भी प्रेस रिलीज में क्लियर कर दिया कि अगर आपको इस चीज में आपने अगर नहीं भी डाला या कुछ गलती कर दी तो उसको गलत वे से नहीं लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं, इंटेंशन शुड बी बॉन्ड राइट। जी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी जैसे कोई भी क्लाइंट है जिनकी 9 ही एप्लीकेबल है, बट अगर मैं एग्जाम डाल दूंगा तो 9 सी एप्लीकेबल हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करो किसी भी टैक्सेबल सप्लाई 1 लाख है या 20 लाख है, मान जीएसटी तो ले सकते हैं, बट उसकी बाकी 3 करोड़ की एग्जाम सप्लाई 9 सी एप्लीकेबल हो जाए, तो उस केस में आपको ध्यान रखना। छोटा मोटा डेटा पूरा लेना है, बाकी आपकी मर्जी है, डाल लेना है मतलब छोटा मोटा है तो कोई बात नहीं, जैसे ट्रस्ट ऑन एफडीआर है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर है, कोई उसको एग्जाम में मान रहा है, उसको कोई सप्लाई नहीं मान रहा, कोई मान रहा है, तो बेसिकली इस चीज के लिए नहीं डालोगे तो टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई बात नहीं, कहाँ डालोगे सर? मैं तो नहीं डालूंगा, नॉन जीएसटी मैं इसको एग्जाम मैं माय मुझे अगर मैं डालूंगा मैं तो डाल ही नहीं, अदरवाइज सर मेन जो इंटेंशन है टैक्स पे हो जाना चाहिए सरकार, उसके बाद आप एक क्लेम कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, द मेन मोटिव इज टैक्स शुड हैव बीन पेड टू द लॉ। जी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे सिनेरियोस बन गए, जैसे जो रिवर्स चार्ज था वो 1780 तो ना तो पे हुआ ना ही उसका इनपुट हुआ, अब इसमें बहुत सारे सिनेरियो बन गए, सपोज ओशन फ्रेट है या कोई फ्रेट नॉर्मल फ्रेट उस पर रिवर्स चार्ज था, वो आपने ना तो पे किया फिर भी में ना उसका इनपुट लिया, तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करो? दिस इज द क्वेश्चन। जीएसटी 9 में ये रिवर्स टैक्स हर क्लाइंट पे कुछ ना कुछ एप्लीकेबल होता ही, और प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा यही होता है, तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करोगे? वो ये प्रेस रिलीज बता रहे, प्रेस रिलीज ये कहती है कि आपने जब उसको पे ही नहीं किया तो आपने इनपुट भी एलिजिबल नहीं होगा, जब आपने पे किया तभी आपने इनपुट लिया होगा, तो वो कह रहे हैं अगर आपने उसको 1819 में पे किया है तो आपने 1819 में इनपुट भी लिया है, तो आप उसको 1718 के एनुअल रिटर्न में दिखाओगे, वो 1819 में ही जाए। आपने एक तरीके से रिवर्स चार्ज पे नहीं किया, पे ही नहीं किया, वो आपको पे करने की कोशिश, अपनी अगर पे करा दो तो 1780 का कैन बी नॉट पे नाउ 1920 इनपुट तो लैप्स हो ही गया, टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, अब आप रोल ओवर कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से तो देख लो, नहीं कर सकते तो पे तो करना ही, तो दिया से जीरो दीजिए और वो तो कैश ही पे हो जाएगा। सर मानो लैंग्वेज तो 1780 की है, जब बेसिक थिंग वो कह रहे हैं कि उस चीज 1819 को ही प्रिटेंड करता है, फिर 1819 में दिखाता है। सर ये प्रेस रिलीज आई थी 3 जुलाई को, मैं इससे पहले 10 बन चुका था, मैंने अपना ओपिनियन ले रखा था, मैं ओपिनियन बताना नहीं चाहता, कंफ्यूजन हो गई, मैं नहीं बोल रहा। तो अब की सिनेरियो में ये है, दो तीन सिनेरियो बन सकते हैं, एक तो है कि मैंने पे ही नहीं किया
आज तक पे नहीं किया, वो तो सिंपली पे कर दो। एक है कि मैंने पे किया और इनपुट 1819 में लिया, पे भी 1819 में किया और इनपुट भी 1819 में लिया। प्रेस रिलीज कहती है 1819 में ही करो जो करना है, इवन इफ वो प्रिटेंड करता है 1718। तीसरा केस क्या हो सकता है, 1718 में आपने पे तो कर दिया बट इनपुट आपने 1819 में लिया, उस केस में ये प्रेस रिलीज हो ही गया। उस केस में मैं फिर उसको टेबल नंबर 13-14 जो आ रही है उसमें लूंगा कि मैंने इनपुट बाद में क्लेम कर दिया, पे मैंने 4 में दिया, जो तो 4 में आ गया होगा। और सर इनपुट पहले हो गया और लायबिलिटी में नहीं दिखाया, उसका क्या करना है? तो वो तो आपको एक तरीके से इनपुट रिवर्स करना है ना, आपने गलत इनपुट बुक कर रखा है DR03। नहीं जीएसटी तो अपने पे तो रिवर्स ऐसे किया, तो पे भी कर देते हैं। अब वो तो आप प्ले कर रहे हो, उस चीज से आपने इनपुट एक तरीके से गलत किया ना, गलती से ना, गलती से इनपुट डाल दिया, पेमेंट नहीं हुई ऊपर, पे करते हैं उसका। आप कह सकते हो कि मैंने इनपुट तो उस टाइम ले लिया बट वो आपने इनपुट बना ही ना, तब तक आपने उसको पे नहीं किया, पे आप अब कर रहे हो। आप प्ले करना चाह रहे हो बट ऑफिसर अगर समझदार हुआ तो पकड़ लिया, वो जब इनपुट एलिजिबल ही नहीं था आपने बुक कर लिया, वो एलिजिबल ही अब बना जब आपने पे किया।
जैसे बताया था, मैं जब भी कोई जी एस टी और नाइन भरता हूँ, सबसे पहले मैं 1, 3B और 9 की एक्सेल बनाता हूँ। ये 1 और 3B कहाँ से डाउनलोड होती है? यहाँ मैनुअल रिटर्न में जाता हूँ। ये ऑनलाइन वाला मोड है, आप चाहो तो ऑफलाइन से एक्सेल से जेसन भी जनरेट कर। यहाँ से जीएसटीआर 1 और 3 को डाउनलोड, ये पूरे साल की है, वही मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर। मैं पर्सनली यूटिलिटी यूज नहीं करता, मैंने एक एक्सेल बना रखी है ताकि मेरे को कुछ पॉइंट्स लिखने हो, कुछ लिखना हो, मैं यही लिखती हूँ। और मैं अपनी उस शीट को येलो कर देता हूँ जिसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, ताकि मेरे को बाद में ध्यान रखना। अब देखो कि ये जो ऑटो डाटा आ रहा है, ये मैंने अपनी बुक्स का डाला इस एक्सेल में। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूंगा 3B से, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे B2C 11729, ये जो डाटा आ रहा है ये मेरा सेम GSTR 1 में आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ी देर रखोगे कर सको तो आता है अमाउंट इतना, सिस्टम कैलकुलेटेड इतना। तो अगर आप इसमें चेंज करोगे उसके बाद भी ये सिस्टम कैलकुलेटेड हमेशा दिखेगा कि सिस्टम ने इसको इतना कैलकुलेट किया, आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, राइट? तो इनकेस आपने यहाँ पे अगर कोई फिगर चेंज कर दी तो आप, अगर आपको देखने के सिस्टम में पहले ऑटो अपडेट क्या हो रहा था तो आप कभी भी देख सकते हैं। मेरा B2C एकदम ओके था, मेरा B2B मैंने एक बार GSTR 1 से देख लिया। अगेन वन मेरे मैच हो रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक्चुअली में मेरा जो बुक्स का होता है मैं वही डालता हूँ। जो डाटा पॉपुलेट हो रहा है वो 1 से हो रहा है, बट मेरे वाले केस में वो मैच हो रहा है बुक से। हो सकता है कि आपका मैच ना हो, मेरे एक सेकंड जो टेबल है उसमें मैच नहीं हुआ, वो मैंने खुद डाला, राइट? अब बात करते हैं रिवर्स सर्च में। सिस्टम कैलकुलेटेड 13,74,000, इसको मैंने चेंज किया बढ़ते टाइम। मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने फ्रेट पे रिवर्स चार्ज पे नहीं किया था, ना मैंने उसका इनपुट अप दिया, तो इनपुट तो मेरा लैप्स ही हो गया, बट रिवर्स चार्ज से मुझे पे करना है, राइट? तो मैं उसको यहाँ पे टेबल नंबर 4 में ऐड करूँगा, वही मैंने अपनी एक्सेल में किया। 13,74,000 जो था वो ओरिजिनल था, ये 3 फ्रेट के रिवर्स चार्ज के बिल थे जो मैंने ऐड कर दिए इसमें। कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने उसका टैक्स भी इंक्रीज कर दिया, 3,632 रुपये 3,632 रुपये। अगर आप पोर्टल पे देखोगे 126 आ रहा है, ये मैंने इसको इंक्रीज किया। एज पर सुशांत भैया वो कह रहे हैं कि ले लो, मेरा व्यू है कि मैं नहीं लेगा,
क्योंकि मैं ये मानता हूँ 17-18 का मतलब अगर हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं तो बात है नहीं, तो अब तक तो सबने रिकंसिलेशन करके 18-19 में तो कर दी हो, रह गया अब आपको अप्रोच लेने वाली बात है, आप कितनी एग्रेसिव अप्रोच लिए जो 10 अक्टूबर के अलावा भी कॉलम नहीं, अगर अनरजिस्टर्ड परचेस पे नहीं कर दिया तो भी हमें पे करना है, जैसे वो 10 अक्टूबर तक ही अपने के हां अब उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं करेगा वो आपके एलिजिबिलिटी डिस्कशन। तो ये जो आरसीएम बाद में पे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट करना है या विद इंटरेस्ट? विद इंटरेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा DRC03 कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये जो क्रेडिट नोट्स थे ये भी मेरे जींस के वर्क में आ गए, मैंने अपना IGST 16,19,000 पे कर रखा है, ये मेरी बुक्स में भी आ रहा है। तो ये जो 16,19,000 है एज पर बुक्स है और एज पर 3B भी 16,19,000 ही है, तो टैक्स आएगा पेड है। बात करते हैं रिवर्स चार्ज की, इसमें मैंने चेंज किया था, मैंने इसको चेंज किया था, मेरा टैक्स पेड कम था, मैंने इसमें इसको ऐड किया था पर मैंने इसको नीचे अपने लिखने के लिए भी लिख दिया कि मेरे को पे नहीं किया, मैं इसका ITCM अवेल नहीं किया, मैं ना अवेल मैं उसको यहाँ टैक्स पेड में ऐड करती हूँ। आपको कह रहा था ना Table No. 9 + Table No. 14 टैक्स पेड शुड बी इक्वल टू 4 और 5, जो मेरा यहाँ पे टैक्स बट रहा है वो मेरा पे या तो यहाँ हुआ है या फिर मैंने टेबल नंबर 10 में कुछ एडजस्टमेंट करके उसका डिफरेंशियल टैक्स पे किया। 4 + 5 + 10 शुड बी इक्वल टू 9 + 14। क्लियर है? सर DRC03 पे भी कर सकते हैं वो भी मतलब ना, वो आप यहां पे दिखा दो ना डिफरेंशियल टैक्स, सपोज मेरा इस केस में बन रहा है 9 बन रहा है सर, मैं यहां पे दिखा दूं, मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ। वैसे मेरे को इसको दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको प्रेस रिलीज पढ़ाई है उस प्रेस रिलीज में लिखा है ना कि अगर टैक्स कुछ पेबल बन रहा है तो आप यहाँ पे इसको गैप में दिखाओगे। मेरा पेबल बन रहा है 1,29,000, ये मैंने चेंज किया था बट टोटल पे आया पेड टू कैश 126, डिफरेंस आ रहा है 3,632 जो मैं अभी पे करूँगा। आगे देखो मैं ये वाली फिगर चेंज नहीं कर सकता, ये ऑटो फिल्ड है, मैं इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये चेंज कर सकता हूँ यार है सिस्टम कैलकुलेटेड 1:26, मेरे को इसको करना पड़ेगा 1:29। अब मेरा गैप जनरेट हो गया 3,632 का, वो मैं DRC03 से पे करूँ, उसको मैं कहीं 9 में नहीं दिखाऊंगा, दिखाने में 9C में दिखाऊंगा जब मैं रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स कर रहा हूँ। पेमेंट को जो DRC03 में दूंगा उसको मैं रेफरेंस दे दूंगा 9C में, जब मैं रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स कर रहा हूँ तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा कि बुक्स में इतना था 9 में इतना पे हुआ, तो डिफरेंस है वो मैंने DRC03 से पे कर दिया हूँ अपने कमेंट में। क्लियर है? तो प्रॉब्लम आप
आपने उसका टैक्स पे कर दिया 1 लाख की सेल थी वो मिस हो गई थी, उसका आपने टैक्स 18 अप्रैल 18 में पे किया। डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन नंबर 10 एंड 11। 10 11 क्या है? यही वन जो आप कह रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, यहाँ पे दिखाऊंगा 10,000 जो टैक्स आप कह रहे हो वो आपने पे भी कर दिया आप कह रहे हो। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा 10,000 पे। अगर आपने पे नहीं किया होता तो मैं यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। जब आप 9 सबमिट करते थे तो DRC 03 से पे कर दूंगा, ये पेबल था मैंने पे कर दिया, अब पेड था तो आप यहाँ पे फिगर करो। बिल्कुल यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दिया उसको भी पे करो। अगर आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दो कितना था और कितना पे कर दिया। सर माइनस नहीं आती सर यहाँ पर? सर माइनस डाल दीजिए सर, अगर पे लोन बाद में है माइनस नहीं आती सर। माइनस सर जो डिफरेंशियल टैक्स पे वाली बात, एक्सेस टैक्स पे 10-11 की बात हो रही है ना, अगर पे लोन इशू करा रहे हैं तो माइनस में आनी चाहिए। ठीक है सर, चलो आगे चलो। ओके है, अब ये वाली टेबल का इसमें मैंने चेंज किया, मेरी 3B में जो 0 रेटेड गई थी 1,47,00,000 गई 3B में, बट 1 में 1,79,00,000 गई थी। मेरी बुक्स में भी 1,17,00,000 ही बनती, तो मैंने यहाँ पे बुक्स के हिसाब से डाला, फिर भी मेरी गलत थी। बट टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि LUT पे था। टैक्स पे होता तो मैं फिर अगेन जो मैंने आपको 4 वाला पूरा बताया वो केस देखता। क्लियर है? ऐसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मैंने कुछ लाइसेंस बेचे थे NIS लाइसेंस, एक्सपोर्टर था, तो मैंने उसको ना 1 में शो किया था ना मैंने उसको 3B में शो किया, बट वो मेरे बुक्स में था, तो मैंने पोर्टल में उसको डाल दिया एग्जाम के लिए। मिस हो गया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से था, मैंने डाला। क्लियर? बात करते हैं एक्टिंग से। आउटवर्ड में कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से आपका टेबल नंबर 10 भी क्लियर हो गया इस केस में। जो सही है बुक्स में अगर 1 करोड़ रुपए की और आपने 10 लाख की रिपोर्ट किया तो ठीक कर दूंगा, वो बनी ही सही है। हमने आपको ठीक कर दूंगा जो भी है, जो उसमें एज पर बुक्स होना चाहिए था करेक्ट वो डाल दूंगा। इररिस्पेक्टिव डाटा ऑटो कॉम्प्लीट सही हो रहा है गलत हो रहा है छोड़ दो। मेन चीज देखो टैक्स पे हो गया है कि नहीं हुआ है और डाटा यहाँ ठीक आया है कि नहीं, टैक्स शुड हैव बीन पेड। अब मैं अगर इसमें कुछ चेंज करता हूँ ना, जो मैं आपको बता रहा था ये आ रहा है 11,000, मैं इसको करता हूँ 50,000। अब मेरे को एक वार्निंग दे रहे हाइलाइटेड इन रेड वेयर वैल्यू एंटर्ड इज मोर और लेस देन 20% वैल्यू, मतलब आप जो वैल्यू इसको ऑटो पॉपुलेट हो रही है उसको 20% से ज़्यादा चेंज कर, तो मतलब ये एक डिपार्टमेंट की नज़र में आ रहे हैं, बट आप जो है अगर गलत है तो भी आप ठीक करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो रहा है होने दो, ये ले लेगा रुकेगा नहीं। तो कोई इशू नहीं है कर सकते।
अब ये मेरी 3B से आ रही है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। ये जो मैंने इनपुट बुक किया है अगेन मैं 3B पे आ गया। मैंने 3B में क्लेम किया 16,32,325,325, वही मेरे यहाँ पे आ गया। अब आपको इसका ब्रेकअप देते हैं कि वो गुड्स है कि सर्विस है कि वो क्या फिर हो, ये आप अपने पीएनएल से निकाल सकते हो, क्या फिर गुड्स है एफए से देख सकते हो। जो नॉर्मल परचेज आ रही है वो इनपुट्स में आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद छोटा ही थोड़ा बहुत ही बच जाएगा जो आप सर्विस में। सर कहीं परचेज करिए सर, गोडले में या टेली 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 सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सर्विस सर्विस वो आप सर उसमें, मैं इसमें भी व्यू लेता हूँ, अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया ठीक है बट उसमें कोई ऐसा भूचाल थोड़ा ना आ जाएगा, कुछ हो गया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो क्लासिफिकेशन हो सकती है, जो आप बेस्ट कर सकते हो आप करो। ये रिवर्स ट्रेड्स का आ जाएगा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड से लिया है, अगर रजिस्टर्ड से लिया है तो यहाँ डाल, ये दिया गया रजिस्टर्ड वाले में हो सकते हैं ना, आपने क्लिक कर दिया और टू वे में आपको दिख रहा हूँ। आपने पोर्ट ऑफ गुड्स करी है वो आप यहाँ पे डाल दो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ एज पर प्रेस रिलीज एंड जो भी मैंने किया, हमने यहाँ पे जो भी डाला है वो एज पर रिव्यू डाला है। अगर मेरी बुक्स में मैंने कुछ कम भी लिया है ज़्यादा भी लिया है वो मैंने यहाँ पे नहीं छेड़ा, मैंने उसको किसी चीज़ में एक्स्ट्रा कर दिया है ज़बरदस्ती अगर मैंने ज़्यादा क्लेम किया, मेरा यहाँ पे डिफरेंस शुड बी ज़ीरो, राइट। मैं ना एक्स्ट्रा इनपुट क्लेम कर रहा हूँ, ना मैं कोई इनपुट कम कर रहा, जो मैंने 3B में क्लेम किया है मैं वही फिगर डाल रहा हूँ, उसी का ही ब्रेकअप डाल रहा हूँ, जिसका मुझे ब्रेकअप नहीं पता मैं उसको किसी चीज़ में एडजस्ट कर रहा मैं भूल गया। तो 3B में अगर ज़्यादा नहीं किया तो आप DRC आपने रिवर्स करेगा उसको बाद में, अभी मैंने नहीं किया, अभी नहीं किया वो हम पे कर रहे हैं, वो आप DRC में पे कर। और यहाँ पे कैसे क्लासिक कर रहे हैं, यहाँ पे आपने सपोज करो 100 rupees एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आप गुड्स में या इनपुट्स में इनपुट सर्विस में उसको ऐड कर दो, यहाँ पे वही रखते हैं लेकिन प्रॉब्लम जो 3B में आ रहा है वही, ये मेरा व्यू है और प्रेस रिलीज का भी कहीं ना कहीं यही व्यू है। आपको अगर ITC रिवर्स करना है, अगर आपने कर रखा है 3B में तब तो आप दिखाओ, नहीं कर रखा मत दिखाओ, DRC 03 से पे, क्लियर है। चलो आगे सर, इसमें इंटरेस्ट दो बार ले लेना इस पे सर, ITC हम एक्सेस किया है 24% सर, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट से देना है, जैसे रिटर्न 20th रहता है 3B का और हम लेयर कोई फाइल कर चुका। मैं सर मेरे एक पार्टी था, मतलब वन ऑफ माई पार्टनर, उसने बोगस इनवॉइस दिए थे, ठीक है, तो उसको समन आया तो उन्होंने कहा कि आप पे कर दो उसको, अब उसमें ये है कि पे कब से कर दो। मैंने बुक तो फेबररी के बिल थे बट बुक किया था उसको अप्रैल में, तो मैंने एक्चुअली मैं तो सरकार से क्लेम अप्रैल में लिया था, मेरी बुक्स में कुछ भी था मैंने तो सरकार से अप्रैल में लिया, तो मैं तो जब रिटर्न फाइल करी है सबसे पहली फाइल कर दिया, 20 से पहली फाइल कर दिया तब से लेकर था नहीं, बट आपने रिटर्न फाइल कब करी उससे ले था ना, उससे मतलब रिटर्न कब फाइल की, मैं मानूँ 20th को फाइल कर, मैं ये मानता हूँ आपने बुक्स में चाहे उसको 1 तारीख को बुक किया, आपने रिटर्न जब फाइल करी है तब से मैं ट्रांस वन और ट्रांस टू को आपने अगर क्रेडिट लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है अपने आप आपको भरने के लिए। अब अगर आपने ITC का रिवर्सल कर दिया 17-18 में और 3B में भी दिखा रखा है तब तो आप यहाँ पे वो डाल लो,
या तो फिर ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी 3V से, अगर नहीं हो रही होगी तो मैनुअली करो, जो 3V में आपने ITC रिवर्सल डाला है यहाँ पे आता है। नहीं आप मेरे केस में था नहीं तो मैंने डाला। आपको ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ 3B में आप भरते हो 3B इन एलिजिबल ITC 17-5, अगर आप यहाँ पे डालते हो ना तो रिवर्सल नहीं होता 3B, वो सिर्फ दिखता है, दिखाने के लिए होता है, बट एक्चुअली में रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल करने के लिए आपको अदर्स में डालना पड़ता है, तब वो रिवर्स होता है। अगर आपने यहाँ पे उसको डाल दिया तो वो रिवर्स कर देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। अगर आपने उसको वहां पर रिवर्सल में दिखा रखा है तब आप यहाँ डालो, नहीं तो मत डालो। आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ पे भी वो शो कर देता हूँ तो, बट वो एक्चुअली में नीचे आप देखोगे तो रिवर्स हो जाए, 3B में रिवर्स नहीं हो, बट यहाँ हो जाए, बट हमें यहाँ करना ही नहीं है। अगे जो भी करना है DLC 03 मुद्दा आ रहा है। अब इसमें 2A में डाटा आ रहा है, ये मैंने जो अपनी बुक्स में 3B में लिया है 16 लाख मैंने इनपुट क्लेम करा, 2A में 17 लाख आया, ज्यादा ही आ रहा है। मेरे इस केस में हर केस में ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे आपने जो इनपुट बाद में लिया है 17-18 के बाद में इनपुट लिया है अदर देन रिवर्स चार्ज, आपने अगर वो रिवर्स चार्ज का इनपुट बाद में लिया तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो आप टेबल नंबर 13-14 में जो है कि रिवर्सल इनपुट वाला वहाँ डालो, यहाँ नहीं डालो, क्योंकि उसको 2A से मैच कराना है। तो हम ये मान के चलते कि रिवर्स चार्ज वाला 2A में था ही नहीं होगा, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं, उसका पर्पस ये है। तो आपको यहाँ पर रिवर्स चार्ज वाला इनपुट नहीं डालना है, अगर आपने बाद में भी क्लेम किया वो आप टेबल नंबर 13 में ही डालना है। राइट अब ये जो पॉइंट था कि इसका जो डिफरेंस है शुड बी इक्वल टू दिस आइडियली, जो आपने फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट बाद में क्लेम करा है टेबल नंबर 13 में सिर्फ वो डालोगे। ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स, क्योंकि वो 2A में तो दिखेंगे ही नहीं, तो उनका पर्पस ये है कि जो 2A में दिखे सिर्फ वो यहाँ दो तभी वो प्रॉपर मैच होगा ना, नहीं तो वो तो मैच ही नहीं होगा। SEZ वाला भी SEZ रजिस्टर्ड तो होता ही है तो 2A में दिख जाएगा, ये तो ऑटो पॉपुलेट होगा ना ITCS पर 2A का कोड, हां खुद ही ऑटो पॉपुलेट ही हो रहा है। और लेकिन जब हम मर्ज करके पूरे साल का बना रहे हैं तो उससे कम आता है हमेशा, और यार वो पोर्टल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, वो नेट लेता है आपके, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर भी दूर कर रहे हो या एक्सेल डाउनलोड करोगे उसमें कुछ आ रहा है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो फिर जैसे हम उसे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में कि एलिजिबल वाला है या इनएलिजिबल वाला, तो हम तो उसके बेसिस पे ही करेंगे क्योंकि हम टोटल बिल तो उसी के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पे नहीं भी डालते हो बाई चांस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कह रहा हूँ मैंने अपनी मोस्टली रिटर्न्स में कुछ नहीं डाला, मैंने अपनी वर्किंग के लिए बनाते रखते हैं। सर आपसे डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि ये नहीं आ रहा तो उसको बाद में भी दे सकते हो, वो हम प्रूफ दे सकते हैं कि हमारे पास बिल है और सब कुछ है, सिर्फ इसके बेसिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, मेरी 9C में प्रॉब्लम आ रही ना मेरी 9 में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसकी क्यों टेंशन लूं। हम ये कह रहे थे कि 2A रिकंसिलिएशन नहीं हुई आपकी 9 कैसे जाएगी, व्हिच इज रॉन्ग। अगर हमें कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर है तो 9 में मेरे ख्याल से ना 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आपने उसका सब कुछ रिको कर। मेरे ऑफिस में पहली बार जब मैंने 9C भरी थी मैं बहुत घबराया था, मेरे से हो ही नहीं रही थी, अरे मैं कैसे करूँगा कैसे ले ली मैंने एडवांस, बट जब मैंने 1 करी 2 करी अब मेरे स्टाफ ही कर देते हैं, वो इतनी जल्दी कर देते हैं, मेरे को कभी कभी लगता है तुमने सही भी बनाई है कि नहीं बनाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देखो इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको लगेगी मुश्किल है, इट इज़ जस्ट ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम है डेट बढ़ जाए।
सर अपॉर्चुनिटी हो ना इसको कि हमें पैसे भी लेंगे कर सकते हो बहुत बढ़िया करो बट सिचुएशन अगर डिमांड कर रही है तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल जो थ्री और बुक्स और कुछ मत दो कोई कुछ नहीं कर सकता थ्री बी और बुक्स को जो सोच रहे हैं आस पास वाला सी एस सोच रहे हैं कोई नियम गलत करे कर ले अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज नहीं होता है सर 8 जी में अगर नहीं ले रहे हैं नहीं है तो सर उसको फिर हम 8 इसमें एफ में भरेंगे अगर एफ में भरेंगे तो मैं इसको यहाँ पे 80,000 जो भी आ रहा है तो कुछ नहीं डालूंगा और जो समीन भाई वाले हैं वो भी एलिजिबल थे तो सर फिर उसमें डालना पड़ेगा ना वो नेगेटिव पहले से डालना पड़ेगा नेगेटिव नेगेटिव आएगा ये डालना पड़ेगा ना मैंने वही बोला प्रॉपरली करना है तो आपको डालना पड़ेगा बट अगेन इट विल टेक टाइम अगर आपने उसकी रिकंसिलेशन नहीं कर रखी बट सर मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने यहाँ पे आप ऐसे भी फाइल कर देते हो अगर आप ऐसे भी फाइल कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में भी आप जस्टिफाई कर सकते हो ना वो घी को तो आप ऑफिसर को बाद में भी दे सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है आइडियली तो एक मैच होना आप जब 9C भी करोगे तो आप देखोगे तो आपको रिकंसिलिएशन में जो इनपुट की कहता है टेबल नंबर 14 में कि परचेज की फ्रेम की एडवर्टाइजमेंट वो आप बुक्स वर्सेस एनुअल रिटर्न नहीं करते तो जो आपने एनुअल रिटर्न में इनपुट लिया है और जो आपने बुक्स में लिया है कह सकते हैं 3B वर्सेस बुक्स तो वो आपको कहीं नहीं सकते मैं तो नहीं या आपने कम करी रिवर्सल किया या 89 17-18 बट वो एक्चुअली में आपने लेकर किया तो 1.5 लाख था
आपने उसको 18-19 में अमेंड किया 1.5 लाख और 3B में भी 50,000 रुपये बढ़ा दिए, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ गई से वो राइट। अच्छा, अगर आपने 18-19 में कोई डेबिट नोट डाला डेटेड 18-19 तो वो आप 17-18 में लोगे या 18-19 में? अगर वो 17-18 की डेट का है तो आप 17-18 में लोगे, अगर वो 18-19 का डेट है पर्टेनिंग टू 17-18 ऑल्सो है तो भी आप 18-19 नहीं लोगे। डेट इज इम्पोर्टेंट। ये भी क्लियर हो गया ना, तो फिर से करने की जरूरत नहीं। ये जो टैक्स पेबल आ रहे हैं वो आपका टेबल नंबर 4+5 पे होगा। अब इसमें बेसिकली जो आपने रिफंड, अगर सपोज 17-18 का रिफंड आपने 18-19 में अप्लाई किया तो वो क्या यहाँ आएगा, और जुलाई 17 टू मार्च 18 यू अप्लाइड द रिफंड ऑन अप्रैल 18 एंड यू गॉट द रिफंड ऑन मई 18, सो क्या उसकी डेट पे ध्यान ही नहीं है, सो इट शुड बी फाइल इन 17 अगर चाहोगे 18 पे फाइल सर, तो रिफंड ऑटोमेटिक है आईजीएस, उसको मैं नहीं मानता, उसको मैंने इंपोर्ट किया वो जो आईजीएस की ऑटोमेटिक रिफंड है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं ये तो बता सकता हूँ कि मैंने इतना ट्रांसमिट हो गया मेरा वो आया, बट वो मैं उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो नहीं गया थे मैंने सर जुलाई में, मैंने आईजीएसटी पेड कर दिया था ऑटोमेटिक मेरा 18 आया, तो वो 17-18 में दिखा, इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी है, मतलब मैं भी इसी में 100% क्लियर नहीं। मैं इसमें वो मान रहा हूँ कि जब मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, जब कुछ पढ़ा, तो मेरे को आईजीएसटी वाला कहीं लगा नहीं कि वहाँ उसमें तो अप्लीकेशन क्लियरिटी नहीं आई, एलयूटी वाला या वो तो मेरे को ऑटोमेटिक में ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होता है तो मैं उसको कहाँ रिपोर्ट करवा सकता हूँ, वो मेरे को लगा भी नहीं मेरा व्यू। अच्छा, सप्लाई रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, इसके लिए मैंने आपको प्रेस रिलीज भी डाल दिया, अगर आपके पास डेटा है तो आप डालो, नहीं है तो मत डालो। HSN आउटवर्ड हमें पता है नोटिफिकेशन आई थी 1.5 करोड़ तक HSN मैंडेटरी नहीं है, 1.5 से 5 से ज़्यादा राइट, 1.5 से 5 करोड़ है तो 2 HSN उससे ऊपर है तो 4, तो ये आउटवर्ड की मेरे ख्याल से मैनेजेबल है। इनवर्ड स्टाफ, इनवर्ड भी उन्होंने कहते हैं जितनी आपके पास अवेलेबल है 10% से ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो, अगर कोई ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है तो 10% तो आप निकाल ही सकते हो, कि अगर उसकी 100 करोड़ की परचेज है तो 10 करोड़ से ज़्यादा की परचेज किया है, दैट इज मैनेजेबल। एक एक एडजस्टमेंट डालना है थोड़ा कम परसेंट, बट मैंने क्या किया है कुछ कुछ क्लाइंट्स पे मैंने ये 100% डाला, इसका एक लॉजिक जो मेरे को क्लाइंट ने ही आइडिया दिया, वो कहता है अगर मैं ये यहाँ सारा डाल दूंगा और मैं अपनी उससे मैच करा दूंगा और इनवर्ड भी सारा डाल दूंगा, वेदर इट इज एक्सपेंस फ्रेट परचेज कैपिटल गुड जनरेट, जब मैं 9C बनाऊंगा तो मेरे को हेल्प मिलेगी, तो आपको बुक्स भी देखनी पड़ेगी, आप सिंपली ये देखना 9 में क्या आ रहा है और आपके पास ये पूरी डिटेल बनी हुई है,
तो आपके पास बुक्स ऑलरेडी होगी, वहाँ से सीधा डाल देना, तो डिफरेंस आ रहा होगा आपको पता ही होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैच। तो अगर आपके पास डेटा कम है आपको लग रहा है तो आप ये भी कर सकते पूरा पूरा डाल सर। जो डेढ़ करोड़ जो लेंगे वो फर्स्ट जुलाई को खरीदा वहाँ से लेंगे ना, इसका जो डेढ़ करोड़ जो लोन लेंगे इसके लिए फिर करेंगे तो जुलाई को वहाँ से लेंगे ना। अगर आपने बाद में भी रिपोर्ट करी है तो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वो टर्नओवर का तो पॉइंट बनेगा ही ना, टेबल नंबर 10 में। तो आप जो एडवांसेस में हमने टैक्सेस पे कर लिए वो हमने आईटीसी से एडजस्ट कर लिए 17-18 में, मतलब एडवांसेस ही हुआ, एडवांसेस ही हुआ उसका जो टैक्स आया था वो आईटीसी से एडजस्ट कर लिए। तो क्या करें, तो रिपोर्ट हुई है ना उसका आपने इनवॉइस 17-18 में इशू करा नहीं किया तो ये यहाँ पर ऑप्शन आता है। हाँ यहाँ पे हम डाल दिए ये भी टर्नओवर का पॉइंट बन गया, टर्नओवर का पॉइंट बन गया तो ये आपको कुछ नहीं कुछ होगा ऑब्जर्वेशन इसमें डिफरेंस तो आएगा तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। 9C इज नॉट माय टॉपिक, मैं पहले 9C के लिए बोल रहा हूं, मैं 9C सर रूल खड़े होंगे अगर रिपोर्ट से नहीं समझ नहीं करा और 18-18 में जाकर वो पेमेंट हो गया, पेमेंट इन द सेंस 180 डेज मतलब ग्रेटर देन 180 डेज तक मैंने पेमेंट नहीं करा और 18-18 में हमारा पेमेंट कर दिया और फिर आप उसको इनपुट 18-18 में लेना चाहिए, हम उसको 17-18 में नहीं इनपुट नहीं सर सर पेमेंट तो सीधे हो जा रहा है, सरकार हम पेमेंट नहीं करते तो रिवर्स करना होता है एन सी कभी समाज का ऑप्शन नहीं है, इनपुट रिवर्स नहीं करा 17-18 में, 18-18 में अगर पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर क्या मैं रिवर्स कर रहा है क्या? मैं आपके पॉइंट पे आऊँगा बस 5 मिनट में, वो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है जो आपका अच्छा। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने जब मैं 9 पहली बार भरा तो मैंने अपने शुरू के 7 दिन वेस्ट कर दिए थे, आप ना करो तो मैं आपको बता सर। अब यहाँ कंप्यूटर लाइबिलिटीज करते हो रिफ्रेश करते हो ठीक है, मैं भी फाइल नहीं कर सकता ऑब्वियसली इसके डाटा को बदल दिया, मैं प्रोसीड टू फाइल करता हूँ ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना ये अभी तो एक्टिवेट हो गया बट ये बाद में नहीं होगा, तो आपको ना क्या करना होता है प्रीव्यू करना होता है। अगर आपका प्रोसीड टू फाइल वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा ना तो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर दो तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं वेट करता रहा 7 दिन तक कि वो हो जाएगा, फिर मेरे स्टाफ ने करके देखा कह सर आप ऐसे वेट कर रहे हो 7 दिन तक बोल रहे हैं, तो आपको बाई चांस कभी लगे ना कि यार ये मेरा ऑप्शन एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, मैं कंप्यूटर लाइबिलिटीज भी कर चुका हूँ ऊपर रिफ्रेश भी कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करके उसके बाद करोगे तो प्रोसीड करोगे, उसके बाद सिंपली DSC लगा मेरे को नहीं पता तो मैं बोला आपको बता दें दैट इज द केस। इसमें आपको आपको अदर एंड सर के अलावा कोई क्वेश्चन तो मैं सर सर मेरे IGST की आउटपुट लाइब्रेरी 10,000 थी बुक्स में थी GFT आउटपुट में पर 200 रुपये मैंने 18-19 में पे किए तो 4 वीक में मैं 10,000 के पाऊँ क्या 900 के पाऊँ फिर से बोलिए सर। 10,000 मेरी 17-18 में IGST की लाइब्रेरी थी, 10,000 मेरी बुक्स की थी, मैंने 17-18 में 98 रुपये पे किए, 200 मेरे रह गए, मतलब 10,000 की लाइबिलिटी थी 9,800 ही पे हुआ, हाँ 200 रह गए, 200 मैंने 18-19 में किए तो 4 वीक में B2B में मैं 98 दिखाऊँ कि 10,000 दिखाऊँ, 200 फिर उधर टैक्स पे हुआ उसका बाद में टैक्स कब पे हुआ दैट इज इम्पोर्टेंट, GST बन पे कब गई नॉट इम्पोर्टेंट, टैक्स शुड हैव जब पे हुआ कौन से पार्ट में डिसाइड है वो तब एक रिटर्न फाइल करते समय नॉर्मल जिस नॉर्मल चार्ज भी देगा वो रिवर्स चार्ज भी चला गया 3B में ठीक करो जो सही होना है वो यहाँ डाल जो सही होना यहाँ तो उसने तो बिल उसने GST को जमा नहीं किया और बिल भी चूक गया अगली बार आपका क्वेश्चन जैसे आपने आपने मैंने सर्विस लिया आपने बिल दिया
ठीक है, मैंने वो नॉर्मल चार्जेस जीएसटी के साथ आपको पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद फिर रिटर्न फाइल करते समय वो रिवर्स चार्ज में चला गया, मतलब मैंने रिवर्स चार्ज में पे किया, मैंने आपको बिल दिया, आपने उसको एक तरीके से इनवर्ट सप्लाई लेवल को रिवर्स चार्ज में बुक कर दिया और आपको फुल पेमेंट भी कर दिया विद अलोंग विद जीएसटी। वही तो सर का क्वेश्चन था कि उन्होंने फ्रेट पे भी कर दिया ठीक है, और इनपुट भी बुक कर दिया, पे भी कर दिया एक्स्ट्रा और फुल पेमेंट भी कर दी, कोई तो बात हो रही थी सर ऑनलाइन बोल रहे थे, तो वो हो गया, कोई बात नहीं, पे भी तो कर दिया, इनपुट भी ले लिया ठीक है, उसको ठीक कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते लाइन से डाल देना पेनल्टी। कोई कह रहा है आप करते कि हो, कोई कहता है आईएसडी के थ्रू हो,
अभी उस चक्करों में हम ना थोड़े पे बैठे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको पहले उठा लेते हैं, जो सिंपल चीज है उसको नहीं करना चाहते, तो जो मोटा मोटी चीज ठीक है पहले उसको तो ठीक करते हैं, क्रॉस टैब तो बहुत गलत चीज हो जाएगी उसके हम ना थोड़े पे बैठे। मैंने तो उसको कुछ नहीं फिर ऐसे तो मैं जिंदगी में नए नए की भरी हूँ वो अगर इनको ट्रांसफर करना है तो वो कर आईएसडी को नहीं करना रिटर्न में प्रॉब्लम होगी इसलिए वो क्रॉस टैब यूज कर रहे हैं जनरली जो जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं लाइक एडमिन एचआर सबके तो क्रॉस स्टडीज हो ही रहे हैं वो तो करने ही है लाइक अगर कॉमन इनपुट नहीं है सपोज एचआर डिपार्टमेंट इज देयर एंड जो भी सैलरी जा रही है उनकी दे आर मैनेजिंग फॉर द होल कंट्री तो उनका जो परसेंटेज बेसिस पर उसके चार्जेस कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी एंड उसका ट्रांसफर भी कर रहे हैं व्हाटएवर द पेमेंट्स आते हैं टीडीएस भी कर रहे हैं एंड डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर दैट आप कर रहे हो तो सर अच्छी बात है कर्नाटक की जजमेंट भी है मतलब जो मैंने देखा जनरली वो यही है कि आईएसडी के थ्रू ना करके वो जो कॉमन इनपुट है उसका क्रॉस टैब जैसे आपको तो आईएसडी एप्लीकेबल भी होगा ना हां वही क्या आप तो एक्चुअली मैं कर रहा हूं ह्यूमन कॉस्ट है उसका मार्क अप लेके बट मेरे को नहीं लगता है कि 10% से ज्यादा कंपनियां ही कर रही हैं हां बिग कॉर्पोरेट्स उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा वैसे छोटी छोटी एंटिटी आपको मतलब जो सर्विस टैक्स के रिटर्न भी करती आ रही है कोई एप्लीकेबल कोई वो कर रही है Yeah, I see the printing of the other.
बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हो फिर तो कि आप ये मान के चलो ना कि केस लग रहा है वही तो दिक्कत हो जब पहले लेके जब बाद में लेके केस तो सारे जब मैं डीएससी 03 को डाल एक तो ऑप्शन हो जाएगा फिर तो सब कुछ करने का लास्ट कितने केस लगाएंगे डीएससी 03 एक बार देख लेते हैं या तो मैनुअल रिटर्न जब फाइल कर देते हैं तो जनरेट होता है क्लिक हियर फॉर डीएससी 03 अगर आप उससे पहले करना चाहते हो तो यहां पे सर्विसेज यूजर सर्विसेज माय ऐप सेलेक्ट यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी आ गई यहाँ मेरा कैश लेजर आ गया यहाँ मेरा क्रेडिट लेजर जो आपके आईडीसी के सेट ऑफ के रूल्स होते हैं वही अप्लाई है एक कन्फ्यूजन क्या आती है कि मेरे पास आईजीएसटी में तो इनपुट पड़ा हुआ है बट मेरी लाइबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी तो भी आप पे कर सकते हैं इसमें आप डालोगे सेट ऑफ करोगे सबमिट से इसके अलावा कोई आपके कोई क्वेरी है टाइम पे तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं